हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सिविल क्लब एसएससी जेईई में आप सभी का स्वागत है। और हम लोग अकॉर्डिंग टू सिलेबस लेक्चर्स की ओर बढ़ रहे हैं। हम लोगों ने लेक्चर नंबर 5 तक कंप्लीट कर लिया था और आज आपको लेक्चर नंबर 6 मिल जाएगा जो आपके रिलेटिव होगा। पहला जो लेक्चर था सेकेंड यूनिट का, वो पहला लेक्चर था करेक्टरिस्टिक्स ऑफ म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट। एंड आज के लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करेंगे आपके लेक्चर कंपोजिशन, जनरेशन एंड द हीट वैल्यू ऑफ द म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट। तो उस वो तो ठीक है, वो आपको प्रोवाइड हो जाएगी इस वीडियो के बाद, तुरंत आपको वो वीडियो भी प्रोवाइड हो जाएगी। तो कुछ डिस्कशन की बात कर रहे थे, तो कुछ हम लोग ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड मैंने एक टॉपिक देखा। मुझे लगा कि शायद ये इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि कभी कभार क्या होता है, हम जो चीज़ पढ़ रहे होते हैं उसकी थोड़ी हिस्ट्री हमें पता होनी चाहिए कि कहाँ से सर स्टार्टिंग हुई है। क्योंकि कभी कभार क्या होता है, वन लाइनर क्वेश्चन में आपसे हिस्ट्री टाइप से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो एक ब्रीफ डिस्कशन है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 8 to 10 मिनट्स में ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगी। सो आई होप आपके लिए ये बहुत यूजफुल होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, थोड़ा ब्रीफ हिस्ट्री का डिस्कशन करते हैं, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कहाँ से ड्राइव हुआ। तो मैंने इसको 3 पार्ट में बांटा है, एंशियंट, मिडिल और मॉडर्न। ठीक है, तो सबसे पहले एंशियंट टाइम की बात करते हैं। एंशियंट टाइम इन 3000 BC द फर्स्ट रिकॉर्डेड लैंड फिल डेवलप्ड बाय द कैनोसिस क्रेट, जिसे आजकल मॉडर्न डे में क्या बोलते हैं, ग्रीस, ग्रीस या आप एथेंस बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, एथेंस। ठीक है, तो सबसे पहले कहाँ पे बना, 300 BC, 3000 BC का मीन्स है 3000 बिफोर क्रिस्ट। ठीक है, वेयर द लार्ज होल वर डग, जहाँ पे क्या किया गया, एक बड़ा सा गड्ढा खोदा गया इनटू द अर्थ, अर्थ में, टू डंप रिफ्यूज, और जिसे जिसमें क्या किया गया, जो भी वेस्ट वगैरह उसे डंप कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद फिर आया 2000 BC। 2000 BC में सबसे पहले क्या किया, इन चाइना द सिंपल मेथड टू कंपोस्टिंग एंड रिसाइकलिंग आर डेवलपमेंट आर यूटिलाइज। देखिए आप लोग परेशान ना होइए, हिंदी से भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, और हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे, मैं हिंदी में भी एक्सप्लेन करूंगा। ठीक, इन चाइना द सिंपल मेथड ऑफ द कंपोस्टिंग एंड रिसाइकलिंग इन डेवलप्ड एंड यूटिलाइज द पर्टिकुलरली फॉर ब्रॉन्ज टू बी यूज लेटर। ठीक है, तो देखिए जो इन चाइना, जब 2000 BC आया, तो इन चाइना में उन्होंने क्या यूज किया, एक कंपोस्टिंग और रिसाइकलिंग करने का एक मेथड डेवलपमेंट किया, जो ब्रॉन्ज के फॉर्म में हुआ, जो कि बाद में 500 BC, मतलब और आगे 1500 और आगे BC, सबसे पहले क्या हुआ, एथेंस। ये देखिए बेटा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा भी जा चुका है, मैंने लास्ट टेस्ट में आपसे पूछा भी था कि विच सिटी इज द फर्स्ट परफॉर्म द सॉलिड वेस्ट रिमूवल मैनेजमेंट। तो ये था आपका एथेंस, ग्रीस, एंड डेवलप द लॉ ऑफ द रिक्वायरिंग गार्बेज, गार्बेज जो आपका होता है उससे रिलेटेड एक लॉ बनाया, एंड टू बी डम्प्ड एट लीस्ट 1 माइल फ्रॉम द सिटी टू प्रिजर्व इट्स ब्यूटी। और उन्होंने कहा कि जो आपका वेस्ट है या जो गार्बेज है, वो कम से कम सिटी के 1 किलोमीटर बाहर ही आपको डंप करना है, ये ऐसा रूल बनाया एथेंस में। ठीक है, उसके बाद आज बात कर लेते हैं हम लोग, अगर प्राचीन काल में हिंदी में बात कर लेते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं। 3000 ईसा पूर्व पहला रिकॉर्ड किया गया कि लैंडफिल नोसिस क्रेट या आधुनिक में ग्रीस में विकसित किया गया, जहाँ कचरे को डंप करने के लिए पृथ्वी के बड़े छेद को खोदे गए थे और उनमें डंप किया गया था। जब 2000 ईसा पूर्व आया, तो चीन ने खाद बनाने और पुनर्चक्रण के सरल तरीके विकसित और उपयोग किए जाते हैं, जिसे विशेष रूप के बाद उपयोग किए जाने वाले कांस के लिए यूज किया गया। फिर आया 520 ईसा पूर्व, एथेंस ग्रीक्स ने एक कानून विकसित किया जिसमें शहर की सुंदरता को बनाए रखने के लिए और बीमारियों को रोकने के लिए कचरे को कम से कम 1 माइल दूर फेंकने की आवश्यकता पड़ी। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारा मिडिल एज। मिडिल एज की बात करें तो 1388 द इंग्लिश पार्लियामेंट बैन द डंपिंग वेस्ट इन डिचेज एंड पब्लिक वाटरवे। तो जब आपका इंग्लिश पार्लियामेंट आए, तो उसने कह दिया कि ये सब मतलब बैन कर दिया, डंप करना कहाँ पे, नालियों में डंप करना या पब्लिक वाटरवे में डंप करने से मन कर, जैसे मान लीजिए आपकी कोई रिवर है या आपका सी है, तो उसमें जो आप वेस्ट डाल देते थे, उसमें उन्होंने कानून बनाया और कह दिया कि अब कोई भी नाली में या रिवर में या सी में कोई वेस्ट नहीं डालेगा। उसके बाद इन 1551 जर्मन पेपर मेकर एंड्रीज बर्नार्ड बिगेन द प्लेसिंग हिज पेपर इन कवरिंग द लेबल्ड विद हिज नेम एंड एड्रेस, दस द डिवाइजिंग द फर्स्ट रिकॉर्डेड यूजेज द पैकेजिंग। तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले क्या किया, स्टार्ट किया पेपर को कवरिंग करने के, लेबल करने के लिए, और उसी में नाम और एड्रेस फॉर्म करने के लिए डिवाइजिंग द फर्स्ट रिकॉर्डेड एज अ पैकेजिंग के फॉर्म में। ठीक है, तो ये सबसे पहले स्टार्ट किया 1551 में। उसके बाद आया 1657 न्यू एम्स्टर्डम, या आजकल जो हम मैनहट्टन बोलते हैं, जो न्यूयॉर्क सिटी में, द पासेस द फर्स्ट, बेटा यहाँ पे ध्यान रखिएगा, पासेस द फर्स्ट एंटी लिटरिंग लॉ, सबसे पहले पास किया किसने,
जिसे एम्स्टर्डन बोलते हैं, जिसे में मैनहैटन अभी न्यू समय में बोलते हैं, उसने सबसे पहले फर्स्ट एंटी लिटरिंग लॉ को पारित किया, द मेकिंग इलीगल टू थ्रो लीव वेस्ट इन द स्ट्रीट। और उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल कानूनी अपराध होगा अगर किसी व्यक्ति ने सड़क पर वेस्ट फेंका। ठीक है, तो इससे रिलेटेड फर्स्ट एंटी लिटरिंग लॉ पारित किया उन्होंने। उसके बाद आ जाता है हिंदी में अगर बात की जाए तो मध्य युग 1388 में चालू हुआ, अंग्रेजी संसद ने नालों और सार्वजनिक जलमार्गों में कचरे के डंपिंग का प्रतिबंध लगा दिया। 1591 में जर्मन पेपर मेकर एंड्रियास बर्नहार्ट ने अपने नाम और पते के साथ लेबल वाले कवरिंग में अपना पेपर रखना शुरू कर दिया। इस प्रकार पैकेजिंग के लिए पहले रिकॉर्ड के रूप में उन्हें जाना जाता है। फिर आता है 1657 ईस्वी में न्यू एम्स्टर्डन या मैनहैटन न्यूयॉर्क शहर में पहला कूड़ा करकट विरोधी नियम पारित किया गया। मैंने आपको बताया कि पहला एंटी लिटरिंग लॉ पार हुआ जिससे कोई भी स्ट्रीट में क्या करेगा, वेस्ट नहीं डालेगा, जिससे सड़कों पे कचरा फेंकना अवैध हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारा आ जाता है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, क्योंकि आपको पता है कि 1757 के बाद हमारा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन काफी तेजी से बढ़ा। इन 1757 द बेन फ्रैंकलिन स्टार्ट द फर्स्ट स्ट्रीट क्लीनिंग सर्विस। तो सबसे पहले जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन होता है उसमें पहले सबसे पहले उन्होंने बेन फ्रैंकलिन ने सबसे पहले क्या स्टार्ट किया कि जो रोड्स होती हैं उन्हें क्लीन करने का एक नियम पारित किया। एंड द इनकरेज द पब्लिक टू डिग पिट इन द अर्थ डिस्पोज द वेस्ट, और पब्लिक को इनकरेज किया, उसको सावना दिया कि जो आप कचरा वगैरह होते हैं उसे डिग पिट में डालें, जिससे क्या हो डिस्पोज करें वेस्ट को, जिससे क्या हो कि हमारा वातावरण या हमारे इन्वायरमेंट क्या हो रहा है, अनपोल्यूटेड रहे। ठीक है, तो इससे रिलेटेड उन्होंने तो याद रखना कि सर बेन फ्रैंकलिन ने दो चीजें इसमें याद रखनी, बेन फ्रैंकलिन ने 1757 में किया था फर्स्ट स्ट्रीट क्लीनिंग सर्विस पारित की थी। उसके बाद नेक्स्ट में चलते, जब 1875 आया था पब्लिक हेल्थ एक्ट, सबसे पहले क्या आया इन 1875 में क्या आया, द पब्लिक हेल्थ एक्ट 1875 इज पास बाय द इंग्लिश पार्लियामेंट गिविंग द अथॉरिटी ऑफ फॉर वेस्ट कलेक्शन एंड प्रिवेंट द मास स्कैवेंजिंग, आल्सो द फर्स्ट कॉन्सेप्ट टू पोर्टेबल रिसेप्टेबल इज क्रिएटेड। तो सबसे पहले बेटा जो आया द पब्लिक हेल्थ एक्ट लागू किया 1875 में, जिसमें इंग्लिश पार्लियामेंट ने एक अथॉरिटी दी जिसमें वेस्ट को कलेक्ट करना, उसे प्रिवेंट करना, उसे डिस्पोज करने का पूरा प्रोसेस एक्सेप्टेबल तरीके से बताया। उसके बाद 1885 में आए आपके अमेरिका बिल इट्स फर्स्ट इंसिनरेटर, सबसे पहले भस्मीकरण वाला फर्नेस फर्स्ट इंसिनरेटर ऑन द गवर्नर्स द आईलैंड न्यूयॉर्क सिटी। सबसे पहले किसने अमेरिका बिल्ड किया फर्स्ट इंसिनरेटर, तो आपसे पूछ सकता कि फर्स्ट इंसिनरेटर किसने विकसित किया, तो अमेरिका ने किया। कब किया, 1885 ईस्वी में किया। कहाँ किया, न्यूयॉर्क सिटी में किया। ठीक है, औद्योगिक क्रांति इसी को हिंदी में जानेंगे। 1757 में बेन फ्रैंकलिन ने पहली सड़क की सफाई सेवा की शुरू किया और जनता को कचड़े से निपटान के लिए जमीन के गड्ढे खोदने के लिए प्रोत्साहित किया। 1875 में सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिनियम अंग्रेजी संसद द्वारा पारित किया गया जो कचड़ा संग्रह के लिए अधिकार देता था कि बड़े पैमाने पर मैला ढोले को रोकता है, साथ ही पोर्टेबल ग्रहण करने वाली पहली अवधारणा बनाई गई। ओके, 1885 में न्यूयॉर्क शहर में गवर्नेंस द्वीप पर अपना पहला भस्मक बनाया गया जो इंसिनरेटर, जिसे मैंने अभी आपको बताया। ठीक, उसके बाद आ जाता है आपका 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी की बात की जाए तो 1940 नियरली 300 इंसिनरेटर आर डेवलप्ड। कितने डेवलप हो चुके थे इन 1914 में, 300 लगभग इंसिनरेटर आर ऑपरेटेड थ्रू आउट द यूनाइटेड स्टेट एंड कनाडा, दो जगह, कहाँ पे, यूनाइटेड स्टेट एंड कनाडा, जहाँ पे क्या हो रहा था लैंडफिल बिगन टू ग्रो, जहाँ पे क्या हो रहा था लैंडफिल चल लो काफी अच्छी मात्रा में लैंडफिल डिस्पोज किया जा रहा था। इन 1921 द रियर लीडर ऑफ द गार्बेज ट्रक इज डेवलप। तो सबसे पहले क्या हुआ 1921 में, क्या डेवलप हुआ, गार्बेज ट्रक डेवलप हुआ जिसमें गार्बेज वगैरह ले जाके जो द प्रोवाइडिंग मोर इफिशियंसी द वेस्ट पिकअप, जिससे क्या होगा जो हमारा वेस्ट वगैरह पिकअप करने का तरीका है उसमें एडवांसमेंट हो गया और थोड़ा प्रिफरेबल हो गया, सुटेबल हो गया। ठीक है, जिससे हम जल्दी ज्यादा से ज्यादा कचरा क्या कर सकते थे, ढो कर सकते थे। उसके बाद 1934 में सबसे पहले यूएस सुप्रीम कोर्ट बैन द डंपिंग ऑफ द म्यूनसिपल वेस्ट इनटू ओशियन। देखिए ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ये पॉइंट इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्योंकि इसमें साफ साफ कह रहा है कि इन 1934 में जो यूनाइटेड स्टेट था उसने सुप्रीम कोर्ट को एक सुप्रीम कोर्ट ने उसके बैन कर दिया डंपिंग द म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट इनटू द ओशियन। तो जो आप समुद्र में कूड़ा कचरा म्यूनसिपल का जो वेस्ट डाल देते थे उसे क्या कर दिया 1934 में बैन कर दिया पूरी तरीके से। इन 1945 द ओपन बर्निंग डंप्स एंड बैकयार्ड वेस्ट बर्निंग इज प्रोहिबिटेड मोस्ट एरिया। तो जो एरिया लिविंग पर्पज के लिए थे वहाँ उन्होंने डंपिंग करना या बैकयार्ड वेस्ट को फेंकना
सब ये सब बर्निंग करना, जलाने, ये सब क्या कर दिया, प्रोहिबिटेड कर दिया, बैन कर दिया घर से, ठीक है। फिर उसके बाद आया 1947, तो 1947 कंज्यूमिंग रीचेज द ऑल टाइम हाई ड्यू टू द कन्वीनियंस एंड द लो कॉस्ट ऑफ द प्लास्टिक रिजल्टिंग द 67% इंक्रीज ऑफ पैकेजिंग। जब से ये आ गया कि सर पैकेजिंग के लिए हम प्लास्टिक का यूज कर रहे हैं, क्योंकि वो लो कॉस्ट में थी और कन्वीनियंस थी, जिसके कारण क्या इफेक्ट पड़ा हमारी इन्वायरमेंट, कि सर 67% क्या हो गया हमारा पैकेजिंग डिस्पोजल इंक्रीज हो गया। मतलब पहले अगर 10% रहा होगा तो अब क्या हो गया, वो 67% लमसम लमसम हो गया था। कब हो गया था, 1947 में। उसके बाद अगर नेक्स्ट पॉइंट की ओर जाते हैं तो 1963 द क्लीन एयर एक्ट इज पास। तो 1963 में क्या हुआ, द क्लीन एयर एक्ट पास किया गया, ठीक है, पास हुआ क्लीन एयर एक्ट। इन 1965 द सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल एक्ट इज पास अथोराइजिंग गवर्नमेंट रिसर्च ऑन रिजर्व रिकवरी एंड लैंडफिल रिसोर्सेज। तो क्या हुआ, रिसर्च ऑन रिसोर्सेज रिकवरी एंड द लैंडफिल रिसोर्सेज के लिए इन 1965 में सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल एक्ट को पास किया गया, ठीक है, इसमें गवर्नमेंट के द्वारा। इन 1968 द मोर देन 33% ऑफ यूएस म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट इज सेपरेटेड रिसाइकेबल एंड नॉन रिसाइकेबल। तो क्या क्या है, 1968 में 33% यूएस मटेरियल जो म्युनिसिपल वेस्ट होता था उन्हें क्या करते थे, वो सेपरेट कर पा रहे थे और नॉन सेपरेबल कर रहे थे। मैनी स्टेट इंप्लीमेंट दिस रिसाइकलिंग, इसके कारण क्या हुआ, इसको देखते हुए कई स्टेट या कई देशों ने इसी तरह क्या करना चालू किया, रिसाइकलेबल और नॉन रिसाइकेबल द्वारा सेपरेट करना चालू किया। पेपर कैन एंड न्यूज़पेपर कर्व रिसाइकलिंग, जो जो आपके जैसे कैन हो गया उसे रिसाइकिल करना, जैसे न्यूज़पेपर वाला कर्व हो गया वो भी रिसाइकिल करना, ठीक है। उसके बाद 1970 में इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी क्या आई, 1970 में क्या आया आपका, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एनर्जी सॉरी एजेंसी इज फाउंडेड द इंडिपेंडेंट ऑफ द फेडरल एजेंसी टू रेगुलेट द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द नेचुरल इन्वायरमेंट अक्रॉस द नेशन। तो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी बनाई गई, जिसके कारण क्या हुआ कि वह हमारे इन्वायरमेंट की देखभाल करेगा, उसे सेफ्टी और सिक्योरिटी के बारे में बातचीत करेगा। उसके बाद 1976, देखिए मैंने पूरा ले लिया है, थोड़ा ब्रीफ में है और आप लोग परेशान ना होइए, और ये बस आपको एक बार पढ़ लेना है अच्छे से बस। इन 1976 द रिसोर्सेज कंजर्वेशन एंड रिकवरी एक्ट। तो देखो 1976 में क्या आया, रिसोर्स कंजर्वेशन एंड रिकवरी एक्ट आया। क्या आया, रिसोर्स कंजर्वेशन एंड रिकवरी एक्ट आपका कब आया, 1976। क्रिएटेड बाय द प्लान ऑफ रिसाइकलिंग, जो किस पे बेस्ड है आपका, रिसाइकलिंग में बेस्ड है। उसके बाद कह रहा है कंजर्वेशन ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट, 26 स्टेट हैव बीन लॉ द रेगुलेट द रिसाइकल। तो उस समय क्या थे, 26 ऐसे स्टेट थे जो इसको रेगुलेट कर रहे थे। इन 1991 द मोर देन 3000 हाउस होल्ड हैजार्डस वेस्ट प्रोग्राम सेटअप बाय द ऑल 50 स्टेट्स, ओके। इन 1994 द फेडरल एजेंसीज आर रिक्वायर्ड टू बाई एंड रिसाइकिल द प्रोडक्ट। द ऑफिस ऑफ फेडरल इन्वायरमेंट एग्जीक्यूटिव इज क्रिएटेड इन फोर्स ऑफ डायरेक्टिव, ठीक है। तो ये भी एक पॉइंट हो गया। चलिए ये चीज़ हिंदी में भी लिखी है, मैं पढ़ूंगा नहीं क्योंकि थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा, आप लोग इसमें आराम से पढ़ लीजिएगा, मैं स्लाइड किए दे रहा हूँ, और इसके PDF आपको इन 24 आवर मिल जाएगी, परेशान ना होइएगा। और ये बहुत अच्छी चीज़ है, इसे ज़रूर एक बार पढ़ना, क्योंकि एक दो क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर पूछेगा, क्योंकि हिस्ट्री से एक दो क्वेश्चन मान लीजिए एथेंस बहुत समय से पूछ रहा, तो हो सकता कुछ चेंज कर दे, हो सकता कोई कंजर्वेशन प्रोटेक्शन एक्ट क्लीन एयर एक्ट पूछ ले, इस तरह के क्वेश्चन पूछ ले, तो ये सब के लिए आपको तैयार रहना, ठीक है। इसलिए मैंने ये बहुत ही कैलकुलेट करके एनालिसिस करके कुछ बहुत ही ब्रीफ, क्योंकि हिस्ट्री तो बहुत ज़्यादा है, उसको तो कभी ख़त्म नहीं कर सकते, मगर हमारा जो टॉपिक है उससे रिलेटेड तो हमने हिस्ट्री यहाँ पे कवर करा दी है आपको। ये हिंदी में है, बस मैं स्लाइड कर रहा हूँ ताकि आप आराम से पढ़ सकें इस चीज़ों को, और पॉज करके भी आप पढ़ सकते हैं, ऐसा कुछ इशू नहीं है। तो चलिए हम हमारा मॉडर्न वाला बचा, मॉडर्न वाला और देख लेते हैं, उसके बाद आपकी ये हिस्ट्री यहाँ पे ही ख़त्म हो जाती है। चलिए ये आ गया हमारा जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जिससे ज़्यादा से क्वेश्चन पूछे भी जा सकते हैं। जैसे कह रहे 2000 द मोर देन 5000 US सिटीज बिगिन यूजिंग द पे एज यू थ्रो प्रोग्राम चार्जिंग बाय द रेजिडेंट बेस्ड द अमाउंट ऑफ द गार्बेज एंड ईच हाउस होल्ड बिल्डिंग एंड थ्रो अवे, ठीक है। इन 2010 द एडवांस आर मेड इन गार्बेज ट्रक टेक्नोलॉजी। 2010 में क्या किया उन्होंने, क्या किया जो गार्बेज ट्रक था उसको टेक्नोलॉजी को एडवांस और कर दिया, द अलाउ देम द पैक एंड हॉल अप 3 times मोर वेस्ट देन द प्रीवियस मॉडल। जो कि क्या था, प्रीवियस मॉडल से 3 गुना ज़्यादा वेस्ट को खुद से ही क्या कर सकता था, बॉक्स से निकाल सकता था और बॉक्स को पुनः रख सकता था। इन सब टेक्नोलॉजी में वो 3 गुना और बढ़ोतरी हो गई उसकी, ठीक है। उसके बाद कह रहा है टुडे द अमेरिकन मेक अप द लेस देन 5% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन बट क्रिएटेड द नियरली 20% ऑफ द वर्ल्ड गार्बेज।
प्रोड्यूस ओवर 50 मिलियन टन ऑफ द ट्रैशेस एनुअली, ठीक है। द वेस्ट मैनेजमेंट प्रोडक्ट द अवेलेबल फ्रॉम द कमर्शियल जोन डिजाइन टू हेल्प द मिटिगेट द इशू क्रिएटेड बाय द ट्रैशेस एंड अदर रिफ्यूजेस व्हाइल ऑल्सो मेकिंग द प्रोसेसिंग द वेस्ट मोर इफिशियंट। वी आर कमिटेड टू स्टेइंग ऑन द फोर फ्रंट इन द ट्रेंड्स टू ऑर्डर टू क्रिएट अ मोर सैनिटरी। देखिए ये थोड़ा थियोरेटिकल पार्ट है, आपको समझा रहा है कि हम कैसे वर्क करेंगे, क्रिएटेड अ मोर सैनिटरी सेफर हेल्थियर प्लानट। इट इज दिस द ट्रेंड टू प्रैक्टिस द हेल्थ इन्फ्लुएंस द डिजाइन एंड द फीचर ऑफ द अवर साइट फर्निशिंग प्रोडक्ट, ठीक है। यही चीज़ हिंदी में दी है। देखिए इसमें ज़्यादातर अदर कंट्रीज के इन्वॉल्व है, क्योंकि हमारे इंडिया में ये सब चीज़ें नहीं हुई, हमारे इंडिया ने बस क्या किया उसको फॉलो किया, कुछ डेवलप खुद से नहीं किया, ठीक है। 2005 यूएस पे एज यूथ रो कार्यक्रम शुरू किया, जिसके तहत प्रत्येक घर और इमारतों से फेंकने वाले कचड़े की मात्रा के आधार पर निवासियों को शुल्क देते थे लेते थे। 2010 में कचरा प्रौद्योगिकी की गति को तेजी करने के लिए पिछले मॉडल से 3 गुना अधिक कचरे के पैक करने और ढील ढोने की अनुमति देता था। आज अमेरिका की वैश्विक आबादी 5%, जिनमें से कम हिस्सा दुनिया के 20% से, मगर आपकी इंडिया की बात की जाए तो आपके इंडिया का तो मैं आप लोग को ऑलरेडी बता चुका हूँ क्या है। तो ये थोड़ा लास्ट की ब्रीफ हिस्ट्री थी, लास्ट वाला 21st सेंचुरी वाला ना भी पढ़े तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मगर हाँ जो आपके एंशियंट और जो मिडिल है वो आपको पढ़ना जरूर है, क्योंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, एक्ट से रिलेटेड पूछे जा सकते हैं, सिटी से रिलेटेड पूछे जा सकते हैं। तो उसे एक बार आप पढ़ लीजिएगा वन वे हैंड में, तो ये आपका कवर हो जाएगा। ये मेरा चैनल है, माई यूट्यूब चैनल सिविल क्लब SSC JEE, और ये मेरा टेलीग्राम लिंक है, आप ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, यहाँ पर लिंक है LIN के, तो लिंक है, यहाँ से आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको PDF प्रैक्टिस क्वेश्चन और इस रिलेटिव इंफॉर्मेशन हर पोस्ट की आपको मिलती रहेंगी। सो थैंक यू, और जो आपकी लेक्चर की वीडियो हो वो भी आज आपकी अपलोड हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी।